ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आए हैं मध्यम वर्ग गरीब तबके की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं जनता का आक्रोश प्रकट करने के लिए आगामी दिनों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 29 तारीख को हम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में तमाम राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि केंद्र सरकार को वो निर्देशित करे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको कम करें। कोई औचित्य नहीं है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहे हैं, जब मांग कम हो रही है, तो बेवजह आर्थिक मंदी के दौर पर लोगों पर ही अतिरिक्त बोझ डालने का काम बिल्कुल गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC के निर्देश के बाद पूरे देश भर में और विशेष राजस्थान में हम सब लोग अपना ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय को। कल 26 जून को जो भारतीय सेना के नौजवान शहीद हुए थे चीन की सरहद पर, भारत चीन की सरहद पर, उनको उनकी शहादत को सलाम करने के लिए कल कांग्रेस जन और आम जन एक सभा आयोजन कर रहे हैं और 26 जून को देश भर में हम सब लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर हम लोग उनकी शहादत को सलाम करेंगे और उन्होंने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वो देश हमेशा याद करेगा। इस भावना के साथ कल 11 बजे शहीद स्मारक पर हम सब लोग एकत्रित होंगे और मौन रह के एक घंटे प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपने चरणों में उनकी आत्माओं को जगा दे और उन लोगों ने जिस वीरता से भारत माता की भूमि, भारत माता की अखंडता की रक्षा करी है, वो अपने आप में मिसाल है। सवाल ये उठता है कि उन लोगों को सरहद पर बिना हथियार कैसे वो गए, क्यों उन्होंने शहादत दी। और आज वास्तविकता ये है कि सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाती हैं कि वैली में आज भी चीनी सेना का कहीं ना कहीं उपस्थिति है। केंद्र सरकार आज तक भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई कि क्या चीन हमारे क्षेत्र में है कि नहीं, हमारी भूमि पर कब्जा किया है कि नहीं किया। प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ बोलता है, रक्षा मंत्रालय कुछ बोलता है, लेकिन देश ये जानना चाह रहा है कि क्या कारण था कि हमारे 20 लोग आज शहीद हुए हैं और अभी तक सच्चाई सामने आई नहीं। कल राहुल गांधी जी ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं देश भर के, उनकी एक सभा में संबोधित किया था और तमाम विषयों पर भी बात रखी, कैसे हम कूटनीति में, विदेश नीति में और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने में, कभी नेपाल की पार्लियामेंट भारत की भूमि को अपना मानकर नक्शा पास कर रही है, कभी चीन आक्रामक तेवर दिखाकर, पहले डोकलाम में किया, अब गलवान वैली में कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरहद पर हमारे लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो चौतरफा मार देश में, जहां एक तरफ साइक्लोन आ रहा है, टिड्डी का प्रकोप बढ़ रहा है, अलग अलग जगह भूचाल भी आ रहे हैं, कोरोना से पूरा देश आज भी संक्रमण से भयभीत है, ऐसे मौके पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। कोई भी ठोस निर्णय या ठोस कदम सरकार ने उठाया नहीं, बचाव की मुद्रा में है। लेकिन हम सब लोग सबसे पहले कहना चाहते हैं कि हम पूरे देशवासी और कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवान सैनिकों, भारत की फौज के साथ हमेशा थी, है और रहेगी। पूरा सम्मान और पूरा समर्थन हम अपनी सेना को देना चाहते हैं, इसलिए हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं उनको कल याद करेंगे और एक घंटे का मौन व्रत रखकर उनको श्रद्धांजलि देंगे ताकि देश उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखे। लेकिन जिन लोगों पर जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित रखने की, वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करें। हम लोग जब भी देश पर चुनौती आती है, सब दल, सब विचारधाराएं, सब संगठन मिलकर एकजुटता से खड़े रहें, यही देश के लोकतंत्र ने हमको सिखाया है। आज भी पूरा समर्थन हम करते हैं, सोनिया गांधी जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, हर कदम में सरकार अगर कोई जवाब देना चाहती है, कुछ कार्रवाई करना चाहती है, हम उनका समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो अनिश्चितता पैदा हो रखी है, सरहद पर आज भी कन्फ्यूजन है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, कहा जा रहा है कि अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चरें दिखलाती हैं कि अतिक्रमण हुआ है। यथास्थिति मेंटेन करने के लिए नेगोशिएशन चल रही है, अगर यथास्थिति स्टेटस को ब्रेक नहीं हुआ तो नेगोशिएशन किस बात की।
इन तमाम बातों का जवाब मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को देना चाहिए। कल 11 बजे हम सभी लोग मिलकर शहीद स्मारक पर यहाँ 11 से 12 इस कार्यक्रम को आयोजित करें। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।